राज्य में कोरोना महामारी को रोके जाने को लेकर एक राज्य सरकार के द्वारा लगातार कोविड टीका लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। लगातार चल रहे कोरोना टीकाकरण के बीच भी अभी भारी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का टीका नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण में टीका नहीं मिल पाने वाले लोग जयगांव से सिलीगुड़ी के निजी अस्पतालों में जाकर पेड टीका लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को सुविधा दिए जाने को लेकर आज जयगांव के अग्रेशन भवन में मड़वाड़ी युवा मंच जयगांव शाखा की ओर से पेड कोविड टीका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सभी को नमस्कार। आज के कैंप के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मतलब मारवाड़ी युवा मंच जयगांव शाखा पिछले 27 सालों से सेवामूलक कार्य अपना जयगांव में कर रही है और उसी के तहत आज मैं जयगांव मारवाड़ी युवा मंच और साथ में नियोटिया गेटवेल सिलीगुड़ी के द्वारा यहाँ पर पेड वैक्सीनेशन कैंप हो रहा है और ये पेड वैक्सीनेशन कैंप जो है वो हम लोग वन शॉट का 780 चार्ज कर रहे हैं। जो ये सेम 780 चार्ज जो है वो नियोटिया गेटवेल वाला द्वारा चार्ज किया जा रहा है और उतना ही हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं और साथ में इसमें हम लोग का जो सहयोग है अलीपुर द्वार सीओमएच जो है उनके द्वारा सहयोग है उनका और साथ में बीओमएच जो है कालचिन ब्लॉक उनके द्वारा भी सहयोग है और पूरा परमिशन के साथ में पूरा कोविड प्रोटोकॉल के साथ में गवर्नमेंट गाइडलाइंस करके साथ में हम लोग आज का ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नहीं, ये सिंगल डोज के लिए, पर डोज के लिए 780। 84 डेज के बाद फिर हम लोग कैंप लगाने का सोच रहे हैं और इसकी विस्तृत जानकारी जो है हमारे प्रोग्राम कैंप के कन्वेनर जो प्रशांत भाई और साथ में मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे जयगांव शाखा के अध्यक्ष मनोज जी घटानी, तो मैं प्रशांत भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि विस्तृत जानकारी जो है और आपको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत अग्रवाल पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांत का स्टेट ब्लड कन्वेनर और आज के प्रोग्राम का कन्वेनर। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो आज का प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को मानते हुए हम कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दोनों ही दिए जा रहे हैं और हम आगे भी कैंप्स करना चाहेंगे और ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे परमिशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशंस मिलती है तो हम ज़रूर करना चाहेंगे आगे भी कैंप्स। किस तरह का माहौल दिख रहा है, मतलब कितना जैसे लग रहा है कि आपको जयगांव में अभी वैक्सीनेशन नहीं किया, किस तरह का माहौल? नहीं, वैक्सीनेशन तो काफ़ी लोगों ने किया है और भी काफ़ी लोग करने वाले हैं और ये जो आज का प्रोग्राम है ये गति देगी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं जयगांव में, जैसे कि JDA में भी है, गुलाबी देवी भवन में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो ये एक और एक एडिशनल यूनिट्स वैक्सीनेशन हो जाएगा। जो लोग समर्थ है वो आके यहाँ पे कर सक रहे हैं और यहाँ पे लोग काफ़ी लोग आज 360 डोजेज हम देंगे, अराउंड 150 के लगभग ऑलरेडी हो चुका है आज और अराउंड 200 वैक्सीन आज लगेंगे। देखिए सर्वप्रथम मैं तहे दिल से शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा अलीपुर द्वार जिला प्रशासक और हमारे CMO टीम को, हेल्थ कर्मियों को, कि उन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय दिया और हमें वह स्वीकृति दी, उसके कारण आज ये जो वैक्सीनेशन जो कैंप है ये सक्सेस हो पाया। और मैं हमारे संपूर्ण हमारे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जय मारवाड़ी युवा मंच के जितने भी संपूर्ण मेंबर है प्लस हमारे प्रशांत जी और हमारे सिक्किम प्रांतीय के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हमारे जयंती जी मुंद्रा जो हमारे साथ, उनका सहयोग हमारे साथ में रहा, तो ये हमारे लिए एक मतलब क्या काफ़ी सौभाग्य की बात है कि सहयोग बहुत ज़रूरी है, बिना सहयोग कोई भी काम नहीं हो सकता, टीम वर्क ज़रूरी है। और हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि हमें जयगांव वासियों ने संपूर्ण काफ़ी सहयोग दिया कि वैक्सीनेशन उन्होंने आगे बढ़ के रजिस्ट्रेशन किया और उन्होंने मतलब क्या है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, तो इसके लिए मैं एक बार तहे दिल से बिहाफ ऑफ द बिहाफ ऑफ द मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से संपूर्ण जयगांव वासी को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ।